नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 0.4, 0.6 और 0.8 का हमें एलसीएम व एचसीएफ दोनों निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे? इसमें इसमें दशमलव बाद में कितने अंक हैं? एक अंक। यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में एक अंक है, तो तीनों में क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे? एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करके इसका दशमलव हटा देंगे। तो 0.4 को गुणा करेंगे 10 से, तो क्या आएगा? 4, क्योंकि इसका दशमलव हट जाएगा। जैसे 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये वाला डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगाते हैं? एक जीरो, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। ऐसे 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब हमें 4, 6, 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं फास्ट। तो दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि 4, 6, 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी आपको संख्या दे रखी है उसमें बड़ी वाली संख्या के मल्टीपल चेक करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या के मल्टीपल चेक करेंगे, वही क्या होगा? एलसीएम। तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 8 गुणा 1, यानी 8। तो 8 में भाग दो, 4 का तो जाता है लेकिन 8 में 6 का भाग नहीं जाता, भाग सभी का जाना चाहिए। तो 8 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 8 गुणा 2, यानी 16, 16। तो 16 में 4 का भाग तो जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता। फिर 8 गुणा 3 क्या होता है? 24, 24 में 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। तो ये क्या होगा? इसका एलसीएम हो गया। लेकिन हमें एलसीएम निकालना किसका है? 0.4, 0.6, 0.8 का। यहाँ पर हमने 10 से इसको गुणा किया था, अब क्या करेंगे? 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब इसमें 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.4। तो ये इसका एलसीएम हो गया। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हमेशा छोटी संख्या या छोटी संख्या का फैक्टर होता है। तो 4 में 4 का भाग तो जाएगा लेकिन जब 6 में भाग दोगे 4 का तो वो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? अब 4 के फैक्टर करेंगे। 4 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुणा 2। तो 4 में 2 का भाग भी जाता है, 6 में 2 का भाग जाता है और 8 में 2 का भाग जाता है। तो 4, 6, 8 होगा 2 होगा। या फिर आप अंतर से भी निकाल सकते हो। संख्याओं का अंतर होता है या तो वो होता है या उसका कोई फैक्टर होता है, तो उससे भी इसका आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? डेसिमल का निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2। तो ये क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अगला प्रश्न है, 0.9, 0.10, 0.3। यहाँ पर दशमलव बाद में एक अंक, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। हमें सभी के डेसिमल हटाने, तो क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर लेंगे। यहाँ पर कितने हैं? 2, तो इस बार 2 जीरो लगा देंगे, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 0.9 को गुणा करेंगे 100 से, तो आ जाएगा 90, क्योंकि दशमलव बाद में एक अंक है तो एक जीरो हट जाएगी, एक जीरो बचेगी। यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर 30। आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम। और मैंने बताया था कि एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या का मल्टीपल होता है। बड़ी संख्या क्या है? 90। तो 90 में 10 का भाग भी जाता है, 90 में 30 का भाग भी जाता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 90 होगा। लेकिन हमें क्या करना है? 100 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 से इसको गुणा किया था। तो कितना आ जाएगा? 0.9। तो इसका एलसीएम होगा 0.9। ऐसे ही निकाल लेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या या उसका फैक्टर होता है। तो सबसे पहले 10 से चेक करेंगे। 90 में 10 का भाग भी जाता है, 10 में 10 का भाग जाता है और 30 में भी 10 का भाग जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 10। उसको 100 से भाग कर देंगे तो इसका मान आएगा 0.1। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ पर वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कैसे निकालते हैं। अगला प्रश्न है, तो सबसे पहले दशमलव उठाएंगे। यहाँ पर दशमलव बाद में 2 अंक, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। मैक्सिमम नंबर लेने, यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं? 3। तो इस बार क्या करेंगे? 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। यहाँ पर क्या है?
0.15, तो दशमलव बाद में दो अंक है, दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो बचेगी, तो एक जीरो लगा दो। दशमलव बाद में एक अंक है तो एक जीरो कट जाएगी, बचेगी कितनी, दो जीरो, और यहाँ पर तो तीन है तो आपस में कट जाएंगी ये। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या या उसका कोई मल्टीपल होता है। सबसे पहले 600, 600 में 150 का भाग भी जाता है 4 बार, 600 में 75 का भाग भी जाता है 8 बार, तो इसका एलसीएम होगा 600। लेकिन क्या करें, 1000 से इसको डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हमने इसको गुणा किया था, तो कितना आ जाएगा, 0.6। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 0.6। ऐसे ही निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या है उसका कोई फैक्टर होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 75। तो 150 में 75 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 600 में 75 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, और 75 में 75 का भाग जाता है, तो इसका एलसीएफ कितना होगा, महत्तम समापवर्तक 75। लेकिन उसको डिवाइड करना है 1000 से, तो 0.075, ये इसका क्या होगा, मैसा हो गया। अब दोस्तों लास्ट प्रश्न, 0.2, 0.06 और 0.008, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारे डेसिमल हट जाएं। तो यहाँ से आ जाएगा 200, यहाँ से आ जाएगा 60, यहाँ से आ जाएगा 8। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या है उसका कोई मल्टीपल होता है। 200 में भाग दो 60 का, नहीं जाता है, तो 200 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, यानी इसको 2 से गुणा कर दो, 400। 400 में भी 60 का भाग नहीं जाता, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर इसका तीसरा मल्टीपल क्या होगा, 200 गुणा 3, यानी 600। 600 में 60 का भाग जाता है 10 बार, और 600 में 8 का भाग भी जाता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 600। 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया था, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.6। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या है उसका कोई फैक्टर होता है। तो सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, 200 में तो 8 का भाग जाता है 25 बार, लेकिन 60 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो 8 के फैक्टर करेंगे। 8 का सबसे दूसरा फैक्टर क्या होगा, 4 गुणा 2, यानी 4। बड़े फैक्टर चेक करने में तो 4, 200 में भी 4 का भाग जाता है, 60 में भी 4 का भाग जाता है 15 बार, और 8 में भी 4 का भाग जाता है, तो इसका एचसीएफ होगा 4, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 3, तो 0.004, ये इसका एचसीएफ हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।